चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारी टेंथ क्लास की मैथ है जिसका चैप्टर है दूसरा और हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। एक्सरसाइज चल रही है 2.2 जिसका पहले का पहला हो चुका है। आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं दूसरा, अगर जल्दी हो गया तो तीसरा भी करा देंगे, नहीं तो दूसरा ही कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में x था s की जगह पे, तो हमने px माना था। इस बार हम क्या करेंगे, ps मानते हैं क्योंकि s है ना, तो हम लिख देंगे माना ps बराबर क्या है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं हमको क्या करना है। यह हमारा 4 और 1 की गुणा क्या आई, 4 और 1 की गुणा हमारी क्या आई है, ये हमारा गुणा करने पे। ठीक है, गुणा में हमारी 4 और 1, 4 इस वाले 4 की, इस 4 और इस 4 की गुणा हमारी क्या आई है, सॉरी इस 4 और 1 की गुणा हमारी क्या आई है, इस 4 और 1 की गुणा हमारी 4 आई है, 4 * 4। अब हम जोड़ने घटाने पे हमारा क्या आना चाहिए, जोड़ घटा में हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 4, मतलब गुणा में हमारा 4 आना चाहिए, जोड़ घटा में हमारा माइनस का 2 आना चाहिए। तो 4 अगर हम 4 * 4 करते हैं तो हमारा 3 आएगा, 4 इसकी गुणा तो हमारी 4 आ जाएगी पर इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा 3 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा नहीं होगा। अब हमारा 4 किसके में आता है, 2 * 2 = 4 होता है, 2 * 2 = 4 तो होता है गुणा में, हमने देख लिया 2 * 2 = 4 होता है, पर प्लस का भी आ गया। अब हम माइनस का मतलब इनको जोड़ते हैं तो 2 + 2 करते हैं तो भी हमारा 4 आ गया, लेकिन हम देखते हैं तो भी हमारा 4 आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं जोड़ घटा करने पर माइनस का 4 आ रहा है। माइनस का 4 कब आएगा, जब ये दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, तो हमारा माइनस का 4 आएगा, तो मतलब यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस का 2 होगा, तभी तो माइनस माइनस की गुणा जब होगी तब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस तरीके से ये जो है हमारा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं, हमारे पास -2 और -2 आया है, तो 4s² - 2 ये वाला -2s है ना, एक्स नहीं है, एस है, तो एस लिख दिया। फिर माइनस का दो एस होके हमारा 4s हुआ माइनस का, और प्प्लस में क्या है, 1 है, ये कर दिया। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो हम लेते हैं क्या कॉमन लें, आप बता सकते हो, जल्दी से कमेंट करो क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, बताओ। यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, और यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तो संख्या में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, संख्या में हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 * 2 = 2, 2 * 2 = 4 हो जाएगा, और संख्या एस भी दोनों में है, तो हम एक जो सबसे कम वाला एस है वही हम लेंगे, मतलब सबसे कम यहाँ पे है और यहाँ पे 2s है, तो यहाँ पे 2 * 2 = 4 होता है, और 1s तो निकाल लिया, इतना कितना बचा, 1s बचा। ठीक है, अब हमारा बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 2 * 1 = 2 होता है, 2s भी चला गया, s भी चला गया, तो हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, -2s है, +1 है, तो -2s है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, संख्या यहाँ पे है ठीक है, और s यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 1 ही कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे माइनस लगा है पहले। ठीक है, तो हम माइनस ही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लिया तो माइनस इसका चला गया, तो 2s बच गया, और यहाँ पे प्लस था, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो हमारा माइनस बच गया, और 1 का 1 1 * 1 ही तो होता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया,
ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो सेम आने चाहिए, और दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, और दोनों ब्रैकेट को हम एक ही बार लिखेंगे, 2s माइनस का 1, ठीक है। और ये इन दो को मिला के लिख देंगे, 2s ये वाला और माइनस का 1। आप ये मत सोचना है कि ये वाला हमने ये लिख दिया, ये वाला हमने ये लिख दिया, हमने जो लिखा है 2s ये वाला लिखा है और माइनस का 1 ये वाला लिखा है, ठीक है। सेम हो गए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमने एक ब्रैकेट, इन दो ब्रैकेट को एक में लिखा है और इन दोनों को मिला के एक में लिखा है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये कह रहे हैं PS बराबर 0 हो, PS बराबर 0 हो तो हमारा ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या 0 हो जाएगा, 2S माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला 2S माइनस 1 है जो 2S माइनस 1, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2s हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s जो हो जाएगा, ये 1 उधर चला गया तो प्लस का हो गया, और x s है ना, x लिख रही हूँ मैं, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे करना है, 2s जो है 1 उधर चला गया तो प्लस का हो गया, तो s हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है वो हो जाएगा। तो हमारी एस की वैल्यू, ये ही हमारा अल्फ़ा है और ये मान लो हमारा बीटा है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया है ना, तो हम यहाँ पे बोर्ड जो है अपना यहाँ पे ये बिगाड़ देते हैं। कैसे किया था ये आपको पता होगा, ये लिखने की चीज़ नहीं है, बस दिमाग में करने की चीज़ है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमको क्या करना है, हमको ये लिखना है कि अतः शून्यक हमारे क्या निकले हैं, अतः शून्यक, शून्यक हमारे क्या आए हैं, 1/2 तथा 1/2 हैं, यही हमारे शून्यक आए हैं। अब हम क्या करना है, हमको अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जब जांच करेंगे तो हमारा क्या करेंगे, पहले हम करेंगे शून्यकों का योग। किसका, शून्यकों का योग करेंगे। तो शून्यकों का योग हम कैसे करेंगे, तो हमारा फार्मूला है तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बटे में हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 + 1/2, यही तो थी, तो यही थी हमारी वैल्यू। और माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस एक्स, एक्स नहीं है सॉरी, हमारा अब हमारा एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो हमको एस लिखना है, ठीक है। वो आप भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा, हमने जो फार्मूला रटा होता है वही हम लिखते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने जो पद, जो चर पद है वो इन्होंने चेंज कर दिया है, एस लिख दिया है, ठीक है, तो एस लिखेंगे। तो एस का गुणांक क्या है, माइनस का 4, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है प्लस का 4, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है वो आ जाएगा 1/2, मतलब आधा आधा जुड़ के हमारा कितना, ये भी हमारा आधा, ये भी हमारा आधा, आधा आधा जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, या एक हो जाएगा। नहीं आपको समझ में आ रहा आधा आधा, तो आप क्या करेंगे, हर तो हमारे बराबर हैं तो 2 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 2/2 कट के हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और आप ये सॉल्व मत करिए आधा आधा, खुद ही आपको पता है ये भी आधा ये भी आधा, तो जुड़ के हमारा 1 हो जाएगा आधा आधा। अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 4/4, ये भी हमारा कट के क्या हो गया, 1 हो गया,
तो हमको क्या पता चल गया है, एक बराबर हमारा एक आ गया है, मतलब ये हमारी सत्यता की जांच जो है वो प्रूव्ड हो गई, ठीक है, प्रूव्ड हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। अब दूसरी सत्यता की जांच किसकी है, वो है शून्यकों के गुणनफल की, तो वो भी कर लेते हैं। शून्यकों के का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल में क्या है, अल्फा डॉट बीटा बराबर अचर पद बटे में क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये है, तो अल्फा अचर पद, हम अल्फा हमारा क्या है, एक बटे दो, सही से लिखते हैं, एक बटे दो गुणे एक बटे दो, और अचर पद हमारा क्या है, अचर पद हमारा वो होता है जिसमें कोई भी एस या एक्स बराबर नहीं होता है, एक्स और एस नहीं होता है, तो अचर पद हमारा क्या है, एक, और एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, चार, तो यही तो हमारा आया, एक बटे चार बराबर एक बटे चार, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो सत्यता की जांच भी हमारी हो गई है। इस तरीके से आज हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे, हर बार एक ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन, आपको समझाने में मैं डिटेल में समझा रही हूँ तो लंबा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप अगली वीडियो देख लेना। तो आज आपको क्या, अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपको बताना है, ये द्विघात है या त्रिघात है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स जो होता है आपका, यूट्यूब का हो चाहे फेसबुक का हो, उस पर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा। और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा, ठीक है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको, और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पर जोजस स्टडी सर्च करते हैं, जोजस स्टडी आ जाएगा, जब हम इसको सर्च करेंगे तो हमारा चैनल दिखेगा जिसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ ऑप्शन दिखेंगे, पहला होम होगा, दूसरा वीडियोस होगा, तीसरा प्लेलिस्ट होगा, चौथा कम्युनिटी, फिर चैनल, फिर अबाउट। तो हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तब हम क्या इस पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद हमारी जो भी प्लेलिस्ट है वो खुल के आ जाएगी। अब हमारा ये जो एरो बना है, ठीक है, इस एरो पे हमें टैप करना है। टैप करने के बाद सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, फिर इसके बाद लिखा होगा व्यू 30 मोर, फिर व्यू 30 मोर के पे टैप करना होगा, फिर हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी होगी वो सारी जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट जो हैं ओपन होके आ जाएंगी, ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर हम आपको कहाँ जाना है, जो भी आपको देखना है वीडियो, जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आपको जाना है चैनल पर, चैनल पर टैप करेंगे आप तो हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो चैनल पे आपको तीन चैनल दिखेंगे, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट, इन चैनल्स को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर लेना है। फिर आप जब पहले जोजस किड्स मस्ती पे जाएंगे, इसमें आपको बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे क्या उन्हें सब सिखाया जाता है, वो सारी बातें आप इसमें देख सकते हैं। बच्चों की वीडियोस हैं, बच्चों के खेल खिलौने कैसे क्या खिलाना चाहिए, ये वीडियोस इसमें बनाई गई हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जो ज्वेलरी हैं वो अपने हाथों से बनाई गई हैं, जो कि मैंने बनाई हैं, सुंदर सुंदर ज्वेलरी जो हैं वो दिखाई गई हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर।
आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं वो बनाई गई हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप ये वीडियोज़ जो हैं आप देख सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। ये सब सारी जो नथ वगैरह, कुंडल वगैरह जो हैं, इयररिंग्स रिंग्स जो सारे अपने हाथों से बनाए गए हैं, ठीक है। फिर अपने चलते हैं तीसरे चैनल पे, तो तीसरा चैनल है जॉर्जेस क्राफ्ट, उस पर टाइप करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उस पर हमें जो घर की बेकार चीज़ें जैसे कि टिशू पेपर हुए, घर शादी के कार्ड वगैरह हुए, उनसे आप घर के डेकोरेशन वाली यूजफुल चीज़ें जो हैं आप बना सकते हैं। इसमें ये सब आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आप हमारी इन चैनल्स को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं और तब तक के लिए बाय, ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल को